भारत में अगर कोई सरकार के सामने आवाज उठाता है तो वो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। हम सब जानते हैं कि देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डटकर खड़े रहते हैं, और ऐसे समय में मोदी सरकार राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाने का, डराने का प्रयास करती है। पहले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ट्विटर पर एक्शन लिए थे, और अब वही ट्विटर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के और खास तौर पर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का मतलब होता है सच की आवाज, लेकिन कुछ दिनों से सत्ता और ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे समय में हम सब लोगों ने तय किया है कि देश की आवाज हम बनेंगे। राहुल जी के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के बाद भी हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है कि हमें 135 करोड़ भारतीयों की आवाज बनना है, और हम ये आवाज बनते रहेंगे। हम भी राहुल गांधी है, हम भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, और आने वाले दिनों में इस देश की जनता की आवाज को बड़ी ताकत से उठाई जाएगी।